यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल की है। यह समय था 1973 का, जब गोरे काले लोगों पर अत्याचार करते थे। लेकिन जब कुछ लोग गोरे लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, जिनमें से एक का नाम था टिम जैकिन, पर उसकी कोशिश किसी काम नहीं आई, बल्कि उसे पकड़कर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल में बंद करके कई सालों की सजा सुनाई गई, जिस जेल से आज तक कोई नहीं भाग पाया है। पर वह बंदा जेल से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता है। समय था 1973 का, जब साउथ अफ्रीका गोरे लोगों के अत्याचार से जूझ रहा था। गोरे काले लोगों को जानवरों की तरह मार रहे थे, क्योंकि उस वक्त गोरे कालों में भेदभाव चरम पर था। चारों तरफ दंगा फसाद चल रहे थे। तभी इन्हीं के बीच हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से पहला था टिम जैकिन तथा दूसरा था स्टेफन। ये दोनों दोस्त हैं। इन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कम्प्लीट की है, पर यहाँ के माहौल को देखकर जब पता चला गोरे कालों में भेदभाव है, तो ये अफ्रीकन की मदद करने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए। ये दोनों लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैग को ले जाकर कचरे के ढेर में रख दिए। ऐसे ही दो तीन और बैग अलग अलग जगहों पर रखे गए। थोड़ी देर बाद बैग में से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बम नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे लेटर्स हैं, जिसमें लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए कई सारी बातें लिखी गई थी। इन दोनों को पता है थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाएगी, इसलिए दोनों वहां से जाने के लिए निकल पड़े। पर जिसका डर था वही हुआ, पुलिस वहां पहुंचकर दोनों को पकड़ ली। अब इन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जज भी गोरे लोगों का ही आदमी है, इसलिए जज टीम को 12 साल की सजा सुनाई, क्योंकि इस ब्लास्ट को करवाने वाला लीडर टीम ही है। और वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई गई प्रिटोरिया जेल में। प्रिटोरिया शहर जो आज दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, इतनी बड़ी सजा सुनकर टीम भागने की कोशिश करने लगा, पर कोई फायदा नहीं। आखिर में पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अब इन्हें प्रिटोरिया जेल के सामने ले जाया गया, जहां का इंचार्ज टीम पर बहुत ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि यह गोरा होने के बावजूद भी काले लोगों का साथ दे रहा है। अब उसे जेल के अंदर ले जाया गया, जहां हम देखते हैं कि कैदियों को कई सारे दरवाजे से होकर गुजरना था, जो सभी दरवाजे चाबियों की हेल्प से खुलते हैं। यही कारण है कि इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। अब इन दोनों को अलग अलग सेल में करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। हर सेल में दो दरवाजे थे, जिसे तोड़कर बाहर भागना इम्पॉसिबल है। ये दोनों अगल बगल के ही सेल में थे, इसलिए दरवाजों पर खटखट की आवाज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सुबह होने पर सभी लोग खाने के लिए टाइम पर निकल गए, जहां पर और भी खूंखार कैदी भी थे। तभी उनकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसका नाम था डेनिस, जो उसे समझाने लगा, इन नीले कपड़े वाले कैदियों से बात मत करना, ये बहुत ही खूंखार हैं। ये दोनों डेनिस से बात कर ही रहे थे, तभी साफ सफाई करने वाले कैदी के हाथ से कुछ बर्तन जमीन पर गिर पड़े। गलती तो बहुत छोटी सी थी, पर वह काला है, इसलिए उसे बहुत पीटा गया। इस बात से ये अंदाजा लग चुका था ये गोरे जेल के अंदर काले लोगों से किस तरह बिहेव करते हैं। जब दोनों लोग डेनिस के साथ बाहर टहल रहे थे, तो उन दोनों को डेनिस जेल के बारे में बताने लगा। जेल की दीवारें 20 फुट की हैं, जिसके ऊपर कटीलेदार तार हैं। इसी के साथ सर्च लाइट भी लगाई गई है, जो हमेशा 24 घंटे चालू रहता है। इसी के साथ पहरेदारी के लिए स्नाइपर को भी तैनात किया गया है, जो किसी भी कैदी को शूट करने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाते। ये कोई सुरंग भी नहीं खोज सकते थे, सुरंग में घूम फिर कर ये जेल में ही पहुंचेंगे। एक दीवार था जिसकी उस पार एक नॉर्मल रोड है, लेकिन यहाँ से भाग पाना किसी भी कैदी की बस की बात नहीं थी। इन तीनों की बात एक चौथा कैदी लियोनार्ड सुन रहा था, जो आकर कहने लगा, ये ऐसा ही बोल रहा है, यह तुम दोनों की तरह सभी कैदियों को डराता रहता है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। वह कहने की यह कोशिश कर रहा था, अगर हम तीनों चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं। अब ऐसे ही 23 दिन बीत चुके थे। एक रात टीम दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। इसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सबसे पहले एक कागज के पन्ने को मोड़कर उस ताले के अंदर डाला। इस बात से उसे इतना तो अंदाजा लग चुका था इसके अंदर कितना होल है। वह अपने पास लिए हुए एक पेंसिल को तोड़ा। कहीं न कहीं वह इसकी चाबी बनाना चाहता है। अगली सुबह अपने दोनों साथियों को बताने लगा, उसे यहाँ से निकलने का तरीका मिल चुका है। अब हम कोई सुरंग नहीं बल्कि लकड़ियों की मदद से चाबियां बनाएंगे। पर वे लोग उसके प्लान पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है लकड़ियां तो टूट जाएंगी, लेकिन वह किसी भी तरह से दोनों को मना लिया। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा था, टीम की नज़र हमेशा गार्ड के पास लिए हुए चाबी पर रहती थी। वह बार बार सभी चाबियों को देखकर उसकी डिजाइन को समझने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही वह कई दिनों तक जब भी उसे मौका मिलता था, वह चाबियों को बड़ी ध्यान से देखता रहता है। मौका मिलने पर चाबियों को देखने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता था। ऐसे ही देखकर एकदम चाबी का सही डिजाइन बना दिया। आखिर में पता चला सभी चाबियों का डिजाइन एक जैसा ही है। ऐसे ही अब 74 दिन बीत चुके थे। जहाँ लकड़ियों का काम होता था, टीम वहाँ पर भी पहुँचा। काम पूरा होने के बाद लोगों के नजरों से बचकर लकड़ी के छोटे से टुकड़े, साइन पेपर, ग्लू तथा कुछ और भी सामान बोतल में रख लिया, जिसमें वो अक्सर पानी लाया करता था। इतने में वहाँ पर एक गार्ड पहुँचा,
गार्ड कहीं बोतल में रखे हुए सामान को देख न ले, वह जानबूझकर कई सारे कील को नीचे गिरा दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। इसके बावजूद भी गार्ड सभी के बोतल को चेक किया, लेकिन उसे टीम के बोतल में कुछ नहीं मिला क्योंकि बोतल के ऊपर से कपड़ा लगा दिया गया था। सही सलामत बोतल के साथ वो अपने कमरे में पहुंचा, जहां पहुंचकर बोतल से लकड़ी तथा और भी सामान बाहर निकाला। अब सभी सामान की मदद से चाबी बनाना शुरू कर दिया। चाबी का पहला भाग बनाने के बाद उसे लाइट के सामने सुखाने के लिए रख दिया। अब अगला भाग बनाने के लिए ड्राइंग को देखा। लकड़ी के सूखने के बाद चाबी का अगला भाग भी बनाना शुरू कर दिया। काफी समय मेहनत के बाद आखिर में वह चाबी बनाने में कामयाब हुआ। अब थी टेस्टिंग की बारी। चाबी को दरवाजे में लगाया, लगाते ही दरवाजा खुल गया। पहले सक्सेस से वह काफी खुश हुआ, पर उसके सामने अभी एक स्टील का दरवाजा है जिसका की होल बाहर की तरफ से है। सुबह होने पर इसके बारे में अपने दो साथियों को बताया, हमें एक दूसरी चाबी बनानी होगी जिसकी हेल्प से स्टील के दरवाजे को खोला जा सके। मगर एक प्रॉब्लम और थी, कमरे के अंदर रहकर चाबी को लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बावजूद चाबी बनाने के लिए दोबारा से चाबी के छल्ले पर नजर रखने लगे। आखिर में दूसरी चाबी भी बनाने में कामयाब हुए। अब पूरे 100 दिन बीत चुके थे। अगले दिन चाबी का टेस्ट करने के लिए जब स्टील डोर में लगाया गया तो दरवाजा खुल गया, पर जब निकालने की बारी आई तो चाबी निकल ही नहीं रही थी। तभी उनका साथी जो छुपकर नजर रखा था वह उन्हें बताया कि एक गार्ड यहीं पर आ रहा है। जल्दी जल्दी करके चाबी को निकाला जाने लगा। इसी हड़बड़ाहट में चाबी बीच में से ही टूट गई, पर गार्ड जब तक उन तक पहुंचा ये चाबी को निकाल लिए हैं। अगली सुबह लियोनार्ड से मिलने के लिए उसका बेटा आया, पर उसकी माँ वहाँ नहीं है। वह यहाँ अनाथ आश्रम में रहता है क्योंकि वह अफ्रीका का नहीं बल्कि फ्रांस से है। लेकिन ये लोग इतने जालिम थे, लियोनार्ड को अपने बेटे से सही से मिलने भी नहीं दिए। अब इन्हें जेल में रहते हुए 142 दिन बीत चुके थे। पिछले काफी समय से ये यही तरीका ढूंढने में लगे थे कि किस तरह से ये स्टील के दरवाजे को कमरे में रहकर खोल सकें। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, यह एक धागे से चाबी को दरवाजे के होल में ले जाएंगे। पर इनका यह आइडिया किसी काम नहीं आया क्योंकि चाबी जाने से क्या फायदा, जब तक चाबी को घुमाया नहीं जाएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। इन तीनों को आपस में बात करता देख वहाँ का गार्ड उन पर शक करने लगा, पर यह हर बार कोई न कोई बहाना कर देते थे। तभी इन्हें झाड़ू को देखकर एक आइडिया आया। झाड़ू के डंडे की मदद से ये चाबी को दरवाजे में लगा सकते हैं, पर इसके लिए कोई अलग सा जुगाड़ करना होगा। अगले दिन काम करते वक्त टीम जब एक मशीन को देख रहा था जो गोल गोल घूम रहा है, ये देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह एक लकड़ी के टुकड़े में होल किया जिसे झाड़ू के डंडे में स्क्रू के साथ फंसा दिया। रात होने पर बनाए हुए डंडे की हेल्प से चाबी को बाहर किया। आखिर में चाबी दरवाजे में चली गई। उसे डंडे की सहायता से घुमाया गया और आखिर में मेहनत रंग लाई, दरवाजा खुल गया। लेकिन निकालते समय चाबी नीचे गिर पड़ी। अचानक से उसे किसी की आवाजें सुनाई पड़ी। चाबी को कोई देख न ले इसलिए उसे डंडे में च्युइंगम लगाकर ऊपर खींचने लगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह बार बार नीचे गिर रहा था, पर आखिर में वह चाबी को अंदर ले लिए। यह सिचुएशन तो एकदम घबराहट का था। जैसे तैसे रात गुजर गई। अब उसके दो साथी को भी यह बात पता चली तो दोनों बहुत ही खुश हुए। जिस तरह ये छुप छुप कर आपस में बातें करते थे, गार्ड को इन पर शक होने लगा। यदि ये पकड़े गए तो इन्हें 25 साल की सजा और दी जाएगी, क्योंकि उन तीनों के भागने की चाल कुछ और कैदियों को भी पता थी, पर ये बात वे किसी को नहीं बताएं। वे भी चाहते हैं कोई तो यहाँ से बचकर निकले। अब पूरे 206 दिन बीत चुके थे, लगभग 7 महीने। इस बीच ये तीनों लोगों के लिए कपड़े जेल में लाने के लिए लग गए, क्योंकि अगर कैदियों के ड्रेस में ये बाहर निकले तो पब्लिक इन्हें पहचान लेगी, वे आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इनके काफी मशक्कत के बाद ये जेल में एक आदमी से मिले जो इन्हें कपड़े लाकर दे सकता था। काफी मशक्कत के बाद ये तीनों कपड़ा इकट्ठा करने में कामयाब हुए, मगर भागने से पहले इन्हें यहाँ का रास्ता मालूम करना था, जिसके लिए इन्हें एक नक्शा चाहिए होगा। यदि किसी तरह से इन्हें न्यूज़पेपर मिल जाए जिसमें यहाँ का नक्शा आसानी से मिल सकता है, पर उसी कैदी की हेल्प से जो साफ सफाई करता है, जिसने इन्हें कपड़े दिए थे, वह उन्हें न्यूज़पेपर देने को तैयार हुआ, पर इसके लिए उसे साबुन तथा सिगरेट चाहिए थे। टीम साबुन तथा सिगरेट का बंदोबस्त किया, जिसे डस्टबिन के नीचे ले जाकर च्युइंगम के साथ चिपका दिया। अब पूरे 296 दिन बीत चुके थे, लगभग 10 महीने। तभी उन्हें खबर मिली, जो कैदी उनकी मदद कर रहा था उसे फांसी दे दी गई है। अब वक्त आ चुका था इन तीनों का यहाँ से भागने का। यह उसी रात चुपके से नीचे उतरे, पर यह इतना आसान होने वाला नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई सारे दरवाजे लगे थे जिन्हें चाबी से बंद किया गया है, पर ये बनाए हुए चाबी की सहायता से एक एक दरवाजे को खोलने लगे। इस बीच तीनों इतना ज्यादा घबराए हुए थे, इनके शरीर से पसीने टपकने लगे। ये दरवाजा खोल पाते इतने में एक गार्ड वहाँ आ पहुँचा। किस्मत अच्छी थी, तीनों सीढ़ी की नीचे की अलमारी में छुप गए। गार्ड जमीन पर पड़े पसीने को भी देखा, पर नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। अब तीनों दोबारा से बाहर निकले। एक एक करके जितने भी दरवाजे थे
सभी को बनाए हुए चाबियों की हेल्प से खोलने लगे और बढ़ने लगे आगे की तरफ। इधर तीनों एक एक दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ गार्ड सभी कैदियों की सेल को देख रहा था, जहां ये तीनों उन्हें चकमा देने के लिए बिस्तर पर कई सारे कपड़े तथा तकिये लगा दिए थे। लेकिन जब गार्ड नीचे आने वाला था तब बाकी कैदियों को लगा कि शायद तीनों पकड़े जाएंगे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए उनमें से एक लाइट को फोड़ दिया जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। गार्ड दोबारा से ऊपर जाने लगा क्योंकि सभी कैदी यही चाहते हैं वे तीनों भाग जाएं। ये तीनों लगातार एक एक दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ रहे थे, अगर इनसे जरा भी चूक हुई तो ये पकड़े जा सकते थे, पर ये सही सलामत सभी दरवाजे को खोलकर आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए थे जहां से बाहर का गेट दिख रहा है जो खुला है। आगे सड़क भी है जहां से ये आजाद हैं। तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर दरवाजे को खोलने के लिए इनके पास जितनी भी चाबियां थी सभी को लगा दिए मगर दरवाजा नहीं खुला। दो लोग कहने लगे चलो हम वापस चलते हैं, इसकी भी चाबी बना लेंगे तब यहाँ से भागेंगे। लेकिन लियोनार्ड हरगिज वापस जाने को तैयार नहीं है, गुस्से में आकर डोर के बगल के लकड़ी पर लोहे से पीटने लगा। दोनों लोग उसे मना करने लगे क्या कर रहे हो बेवकूफ हो क्या, क्योंकि इस तरह की आवाज सुनकर गार्ड वहाँ आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद लकड़ी का फ्रेम टूट गया जहाँ से लॉक भी दिखाई दे रहा था। अब ये कुछ और बार दरवाजे के फ्रेम पर वार किए, आखिर में मेन दरवाजा फ्रेम से अलग हो गया। तीनों जो अलग से कपड़े लिए थे उसे तुरंत पहन लिए। सबसे पहले उनमें से एक बाहर निकला ये देखने के लिए कि कोई गार्ड मौजूद तो नहीं है, पर वहाँ कोई नहीं था बल्कि एक गार्ड है जो ऊपर पहरेदारी कर रहा है। उसकी नज़र जैसे ही उन तीनों पर पड़ने वाली थी ये तुरंत दीवार के पीछे छुप गए। ये आईने की हेल्प से उस गार्ड के वहाँ से जाने का इंतजार किए। जब वह चला गया तो मैप को देखें कि इन्हें किस तरफ जाना है। रास्ता मालूम होने पर ये गेट से बाहर निकले, वह भी बिल्कुल शांत होकर तीनों दूरी बनाकर चलने लगे। इसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी ये तीनों कैदी हैं। इतने में दो गार्ड उनके बगल से ही गुजरे, लेकिन ड्रेस चेंज होने के कारण वे लोग उसे पहचान नहीं पाए, और तो और उन लोगों का नजर उन पर था भी नहीं। ये दोनों वहाँ से भागते हुए काफी दूरी पर रुके, जहाँ एक टैक्सी वाले को कुछ पैसे दिए जिसे टीम अपने पास बहुत पहले से ही संभाल कर रखा था। टैक्सी वाला पैसा ले लिया, अब वह इन तीनों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। अगली सुबह गार्ड जब उन तीन कैदियों के सेल में गए जो अभी तक नहीं उठे थे, मगर उसके सेल में पहुंचकर उनके होश से उड़ गए। पता चला तीनों भाग चुके हैं। गार्ड भागता हुआ बाहर की तरफ आया, ये देख सभी कैदी हंसने लगे। उन्हें पता है वे तीनों आखिरकार भागने में कामयाब हुए। इधर सबके होश उड़ चुके थे तो दूसरी तरफ तीनों जब प्रिटोरिया शहर से बाहर निकले तो बहुत ही खुश हुए। उसके बाद साउथ अफ्रीका में उन तीनों के लिए काफी लंबी खोज की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि वह तीनों प्रिटोरिया की सीमा से निकलकर मोजाम्बिक, फिर तंजानिया और आखिर में लंदन पहुंचे, जहां पहुंचकर ये दोबारा से दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन सन 1991 से पहले इन्हें माफी नहीं मिली, तब तक ये भगोड़े ही साबित रहे। कई आंदोलन के बाद 1942 में रंगभेद खत्म हुआ। कहानी के अंत में हम सभी करेक्टर की रियल तस्वीरों को भी देख सकते हैं। तो यह थी स्टोरी एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया की। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।